तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। और आज ही जस्ट मैंने व्लॉग खत्म किया, लास्ट वाला जस्ट अपलोड किया और आज ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो रेगुलर व्लॉग डालने की आदत डाल रहे हैं और अभी जस्ट अपना माइक आ चुका है जो मैंने 12,000 का मंगवाया है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल माइक है और ये सच में अच्छा है यार। लास्ट माइक मंगवाया तो था लेकिन पोपट हो गया था, लेकिन ये वाला माइक सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो डिलीवरी बॉय नेता चौराहे पे वेट कर रहा है, तो चलते अपना माइक रिसीव करता है। अपना ऑर्डर आ चुका है और ये है अपने सोमिल भाई। जब अपना ड्रोन गिरा था तो यही आए थे और इन्होंने अपने हाथ से लाके ड्रोन दिया था। थैंक यू भैया। और कुछ भी ऑर्डर आता है अपना तो भाई से मतलब लाके दे देते हैं। प्यार ही ऐसा है, क्या करें। अरे बस, ये बहुत तगड़ी चीज मंगाई। लास्ट टाइम भी माइक मंगाया था ना एक, जो ग्रेनारो का, वो बेकार निकला। फिर से मंगाया दूसरा ऑर्डर किया, ये महंगा वाला। रिटर्न किया, वो इतना डेट हो गया था कि रिटर्न नहीं किया। उसको दे देंगे, छोटे भाई को यूज हो जाएगा। अबे भाई, चलो ओपन करवा लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों फाइनली आ चुका है अपना माइक। ये है हॉलीलैंड का लार्क M1 डिजिटल वायरलेस माइक्रोफोन 2.4 GHz। तो इसका एक साल का वारंटी भी है। तो चलो इसको ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। कितनी मस्त पैकिंग है। तो महंगा सामान है भाई, तो पैकिंग तो तगड़ी होगी ही। ये हॉलीलैंड का, इसके अंदर है अपना माइक। ये मुझे पड़ा है 11,490 का अमेजोन पे। तो 11,490, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिन्हें भी लेना है ले सकते हैं। महंगा है लेकिन अभी क्वालिटी आपको सुनाते हैं इसकी। सो हियर इज द माइक। ओ भाई साहब, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये इसका जो है, ये मेन माइक है। ये जो है इसका वो है डेड कैट है, मतलब इससे हवा वो विंड वगैरह जो है, विंड ब्लास्ट होती है, इससे ठीक रहेगा। और बाकी दूसरे सेक्शन में यहाँ पे कुछ वायर्स दिए हुए हैं, 3.5 mm और ये चार्जिंग के लिए वायर है। बाकी यूज़र मैनुअल है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ मिली हैं। इसको ओपन करते हैं, मेन इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो ये है भैया, और ये काफ़ी लग रहा है महंगा है, क्योंकि ये देखो, ये है मेन हमारा रिसीवर। दो रिसीवर मिले हैं इसके साथ, ये देखिए दो रिसीवर हैं। इसका चार्जिंग केस है और ये मेन इसका जो है ट्रांसमीटर है, जो कि फ़ोन में लगेगा और उसके बाद इसे हम माइक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ सेटअप करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा वर्क करता है, मेन इसका आउटपुट कैसा आता है वो दिखाता है। तो दोस्तों, उस दिन के बाद से आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो आफ्टर 5 days, बिकॉज ये जो माइक है, ये अपना सारा कुछ इसमें देखो, देख सकते हो, ये रिसीवर है बीच में और इसके साइड में ये माइक है। ये कनेक्ट नहीं हो रहा था आईफोन से, एक अलग से कनेक्टर मुझे मंगाना पड़ा। ये भाई मुझे पड़ा है 2,100 रुपये, 2100 रुपये का ये कनेक्टर मिला है, तब जाके आईफोन के साथ ये वर्क कर रहा है। तो आइए आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। इससे बढ़िया टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अभी ये मैं आईफोन के माइक को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आईफोन में कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगा है, आईफोन के माइक को यूज़ कर रहा हूँ। और पंखे की आवाज़ चल रही है, कुछ आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देगी, चूँकि अभी ज़्यादा शोर नहीं आसपास है तो उतनी दिक्कत नहीं होगी और आवाज़ मेरी क्लियरली आप तक पहुँचेगी। अब मैं माइक लगाता हूँ, ठीक है। तो आइए बताता हूँ कि इससे कैसे आप आईफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ये कनेक्टर मैंने अलग से ऑर्डर किया था, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, माइक का भी लिंक डाल दूंगा। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको खोलना है, चार्जिंग केस को जो बीच में है आपका, ये दोनों रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर को निकालना है। और ट्रांसमीटर जैसे आप निकालेंगे, ये कनेक्टर आपको इसमें लगा देना है। ये देखो, इसको लगाते हैं, एक हाथ से मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, एक हाथ से लगे कैसे। तो ये देखो, ये कनेक्टर मैंने लगा दिया इसमें, ये साइड में 3.5 mm जैक, और ये जो है आईफोन का लाइटनिंग इसमें लग गया। अब इसमें ना यहाँ पे बगल में ये देखो, ये फंसाने वाला दिया है, तो इसको ऐसे फंसा सकते हैं आप, इसको ऐसे यह है तार से ऐसे करके फंसा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया फंसाने के बाद, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। ये माइक निकालो, ये देखो थोड़ा सा ब्लिंक करेगा, उसके देखो अभी ये ग्रीन अगर है, मतलब कि नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में इसकी आवाज़ बिल्कुल अलग होगी, और ये देखो जब इस पर दबा देंगे येलो पे, तो ये ब्लू हो जाएगा। तो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑफ हो गया, मतलब आसपास की नॉइज़ आपको सुनाई देगी। तो कुछ ऐसा है, जैसे आप चाहते हो कि अगल बगल किसी की आवाज़ रिकॉर्ड हो, तो इसको आप ऑफ कर सकते हो, इसको ऑन कर दोगे तो अगल बगल की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। तो अभी दोस्तों देख सकते हो, मेरा ये माइक जो रिसीवर है वो मैंने अपने कॉलर पर लगा लिया है, बाकी ट्रांसमीटर फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है। बहुत दिन वेट करना पड़ा यार, एक डाटा केबल, एक मतलब एक कनेक्टर मंगाने के लिए हमको 5 दिन और वेट करना पड़ा, नहीं तो व्लॉग अगले दिन ही आ जाता, लास्ट व्लॉग जो आया था उसके।
तो फिर मैंने आधा व्लॉग शूट करके रखा था और कुछ नया शूट करने का मन भी नहीं कर रहा था, तो हाँ वेट किया। लेकिन अभी फाइनली आपको आवाज़ कैसी लग रही है? देखो ऊपर फ़ैन ऑन है। लास्ट टाइम ग्रेनारो का भी ऐसे किया था, लेकिन ग्रेनारो में मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन इसकी वॉइस काफ़ी बढ़िया है। इसमें तीन मोड दिए हैं, अभी शायद ये हाई पे सेट है, तो हाई मीडियम लो, मतलब हाई पे करने पे आवाज़ ज़्यादा आती है, मीडियम पे कम आती है, लो पे थोड़ी कम आती है। मतलब वो आप सिचुएशन एनवायरनमेंट के हिसाब से उसे मोड को चेंज कर सकते हो। अभी मेरे पास में है ये देखो, दो माइक मेरे पास में है तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो आवाज़ तेज आ रही होगी। अब एक माइक को दूर करेंगे तो देखो आपको एक कान में आवाज़ आ रही होगी, दोनों पास करेंगे तो दोनों कान में आवाज़ आ रही होगी। ये मतलब अगर आप ईयरफोन से सुन लोगे तब, ईयरफोन या हेडफोन से। बाकी तो आवाज़ कैसी लग रही है इसकी आप लोग कमेंट्स बताना। अभी नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑफ था, अब ऑन करते हैं। देखो नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन करने पे कैसी आवाज़ आती है। अभी आपको शायद पंखे की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी वो भी नहीं आ रही होगी, तो ये नॉइस कैंसिलेशन मोड मैंने इसका ऑन कर दिया है। तो हाँ ऐसा माइक है, सिंपल सा सेटअप है, कुछ नहीं करना है। कनेक्टर की वजह से मैं 5 दिन रुका हुआ था। बाकी हाँ थोड़ा महंगा है, लेकिन हाँ वर्थ है। आप लोग बताना आपको कैसी आवाज़ लगी। अभी नहीं, आगे बहुत सारी वीडियोज़ में ना जब इसे हम यूज़ करेंगे बाहर शोर में, सड़क पे, चौराहे पे, मोहल्ला गली, तब समझ में आएगा इसकी आवाज़ कैसी है, इसका काम क्या है ना। तो चलते हैं, मृदुल आया हुआ है, मृदुल से मिलाते हैं, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। तो अभी मृदुल आया हुआ है और मृदुल के साथ हम लोग जा रहे हैं गंगा दशहरा एंजॉय करने, और माइक का टेस्ट भी वहाँ करके दिखा देंगे कि भीड़ में कैसी आवाज़ आती है, और गंगा दशहरा भी एंजॉय करेंगे, और आओ मृदुल पे भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। के लिए फ्लावर्स, गदा है भाई, बचपन में लोग गदा बोलते थे इसको। गदा, ये बहुत अच्छा फूल है, मतलब मालती का पेड़ है, मैक्सिमम बहुत लोगों के घर में मिल जाता है। तो भाई अभी हमारे साथ बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला सीन हो गया था, मेरा ड्रोन फिर से गायब हो गया था। मतलब बहुत सारे लोग को लगा कि पुरानी वीडियो है, लेकिन पुरानी वीडियो नहीं थी भाई, मुझे खुद लगा। मैं स्क्रॉल कर रहा था, हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, फिर से डाल दिया क्या वीडियो जो है, लेकिन फिर देख रहे हैं जब लोगों का रिस्पॉन्स आ रही है, फिर से ये क्या हो गया। YouTube पे मैंने शॉर्ट्स डाला है, 18 घंटे बाद मुझे मेरा ड्रोन मिला। उस टाइम पे व्लॉग नहीं कर पाया था, थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है वही डाला था, काफ़ी लोगों ने देख भी ली होगी। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं परेड में ड्रोन उड़ा रहा था, मतलब मेरा ड्रोन 2 बार ऑलरेडी गिर चुका था, और उसके बाद उसे ठीक करवा के आपको बताया था ना कि उसमें 2 चीज़ एकदम टूट गई थी, उसको फेविक्विक से जोड़ा गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसमें एक नोटिफिकेशन आ गया था, मैं एयरपोर्ट एरिया के पास में उड़ा रहा था, चौफटका के पास में, तो वहाँ पे एयरपोर्ट एरिया में अगर आप लोग उड़ाते हो ना तो एक नोटिफिकेशन आता है, तो उस नोटिफिकेशन को मैंने क्लिक कर दिया था। उसके बाद उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि सिग्नल फुल दिखा रहा था, लेकिन ड्रोन डिसकनेक्ट हो जा रहा था आरसी से। तो उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा, हाँ इतना लार्जर वे में नहीं हुआ था, तो इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद उसके अगले दिन रात को मैं दुबई कार्निवाल में उड़ा रहा था, दुबई कार्निवाल का मैं कुछ शॉट ले रहा था, चूँकि लाइटिंग काफ़ी बढ़िया लग रही थी, तो उसके शॉट्स लिए मैंने। फिर ड्रोन को जब मैं अपने पास बुलाने लगा तो ड्रोन मेरे कनेक्शन से बाहर हो गया, और मैं आगे नहीं कर रहा था, लेकिन ड्रोन अपने आप आगे जा रहा था। मैं डर गया, मैं कहा भाई ये क्या हो गया। लेकिन हाँ एक चीज़ मेरे हाथ में थी कि मैं ड्रोन को नीचे कर सकता था, तो मतलब ड्रोन अपने से आगे जा रहा था और मैं उसे नीचे कर रहा था, तार से ना लड़े, इससे ना लड़े, उससे ना लड़े। तो परेड में मैंने उसे उतार लिया, मैं मतलब थोड़ा परेशान हो गया कि भाई अचानक से ये क्या हो गया मेरे ड्रोन के साथ, कनेक्शन से बाहर हो गया, एकदम बगल में था ड्रोन और कनेक्शन से बाहर हो गया था। तो उसके कुछ आधे घंटे बाद मैं घर आया, छत से मैंने सेम चीज़ ट्राई करी कि देखते हैं यार इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई अचानक से। बस मुश्किल से 17 मीटर की हाइट रही होगी और 50 मीटर की डिस्टेंस रही होगी, और वो अपने आप आगे चलता ड्रोन कनेक्शन छोड़ के भाग गया। मतलब यहाँ से ड्रोन निकला है, मैं चाहता तो लैंड करा सकता था, लेकिन वो लैंड हुआ नहीं, करा देता तो और टूट जाता, चूँकि देखो छत ऊँचे हैं नीचे हैं, ड्रोन गिर सकता था, हो सकता है किसी की बाउंड्री पर लैंड हो जाता, फिर वहाँ से गिर के टूट जाता। ए ब्लॉक करने दो, ड्रोन बोल रहा है कि भैया मालिक हम जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। हाँ तो ड्रोन अपना जो है यहाँ से निकल गया। उसके बाद जो है मैं भागा ऊपर छत से, नीचे आया, भागा आगे तक, ड्रोन कुछ देर तक मतलब कनेक्शन में था, उसके बाद उसने कनेक्शन छोड़ दिया डिस्कनेक्टेड, और फिर मैं हो गया परेशान। आधे घंटे तक ड्रोन देखा आसपास, अलोपी, चुंगी, सोबतिया बाग, सब जगह देखा, ड्रोन कहीं नहीं मिला। फिर मैंने एक रील डाली अपने इंस्टा पे, और उस रील का रिस्पॉन्स था कि 18 घंटे बाद मेरा ड्रोन मुझे वापस मिला। और ताजुब की बात ये थी कि जिस छत पे जाके ड्रोन लैंड हुआ था, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ड्रोन लैंड हुआ था, और जिस छत पे लैंड हुआ था वो अपनी सोशल मीडिया फैमिली निकली, और उन्हें मैं ना अपने व्लॉगिंग के जरिए नहीं जानता था, अपनी सिंगिंग के जरिए जानता था। 12 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो मतलब ना ये दुनिया एक वो है, राउंड है, सर्कल है, सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलते हैं। और अगर आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा ना, तो आपके साथ भी कभी गलत नहीं होता है। तो महादेव की कृपा थी, बजरंगबली का आशीर्वाद था, चूँकि
पवन सुत हनुमान, और ड्रोन भी हवा में ही था, पवन में ही था, तो उनकी कृपा से ड्रोन बच गया और मेरे पास आ गया। मैं तो बिल्कुल होप हार चुका था, मैंने सोचा था कि अगले साल नए साल पे लूँगा ड्रोन फिर से 1.5 लाख का, इससे भी महंगा वाला लूँगा, क्योंकि एकदम गुस्सा भी आ गया था भाई कि मतलब अभी एक महीना हुआ था और मेरा ड्रोन एकदम इतने कॉल की इसने, इस बंदे मेरा एक फोन नहीं उठाया। मैं भाई उस टेंशन में ना 1 लाख रुपए अगर आपका जाता है ना तो क्या हालत होती है आप समझ सकते हो। इसलिए कॉल कर रहे थे, आने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा बिजी था अपने पर्सनल काम से, तो मैंने रील डाला उसमें अपना नंबर वंबर डाल दिया था छोटे भाई का, तो बहुत सारी कॉल आ रही थी, उसमें लोग मजे भी ले रहे थे कि आपका ड्रोन मिल गया, मेरे पास है मेरे पास है, मतलब सोचा ऐसी कंडीशन में तो हद कर दी। उसने कमेंट किया था कि भैया मेरे पास ड्रोन आ गया है, ये मेरा नंबर है, मुझसे बात कर लीजिए। हाँ, और उसके बाद बात करने पे कह रहे हैं कि मुझे फॉलो बैक कर लीजिए, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब यार ऐसी कंडीशन में भी मजा लिया जाता है, बहुत होते हैं कुछ लोग। खैर अंत भला तो सब भला, ड्रोन अपना मिल गया, और आज मौके से गंगा दशहरा है, मंगलवार है, हम जा रहे हैं श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन करने और करने तभी देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा उसका अपग्रेड कर दिया जाए, थोड़ा रिपेयर हो जाए, तो उसके बाद सबसे बड़ी बात, जिस रात को ड्रोन खोया उसकी अगली सुबह हुई थी बारिश। अगर ड्रोन कहीं नाला नाली सड़क या कहीं छत में गिरा होता और बारिश से भीग गया होता ना, तो ड्रोन खत्म था, 1 लाख रुपए खत्म हो जाता। लेकिन किस्मत सोचो, हमारे जिन सब्सक्राइबर के घर पे गिरा था वो रात पे जाके उन्होंने ड्रोन नीचे ले लिया था, सबसे अच्छी बात ये थी, और बस भगवान जी ने बचा लिया। मैं रात को ये सब सोच रहा था ना तो मेरे गूज़बम्स आ रहे थे, तो सोचा यार आपसे ये सब चीज़ें शेयर करते हैं। फिलहाल चलते हैं गंगा दशहरा एंजॉय करते हैं, बड़े हनुमान जी के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। जय श्री राम। बोले बजरंग बली हनुमान जी महाराज की। दर्शन हो गए सबके, इतनी भीड़ में दर्शन हो गए बढ़िया से, बारे से हाथ जोड़ के जाता हूँ का बहुत भीड़ बा, अरे वाह चल, जय श्री राम जय श्री राम। ब्लॉग को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, अभी बहुत ख़राब दिन चल रहे हैं मेरे, मतलब एक बार ड्रोन गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, मतलब हर इंसान को एक बार चांस मिलता है, किसी को सकता है एक बार भी ना चांस मिले, लेकिन मुझे तीन तीन बार चांस मिला, बिकॉज़ ये जो थर्ड टाइम मेरा ड्रोन गया था इसमें बिल्कुल वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, मैं भूल चुका था, लेकिन अचानक से एक मैसेज आया कि ड्रोन हमारे पास है। वैसे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे लेकिन हम सबका रिप्लाई दे रहे थे, बहुत सारे लोग मज़ा भी ले रहे थे, लेकिन अंकल जी ने मैसेज किया, उनका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम पे भी डाला है, तो तुला रामबाग सुबतिया बाग में अपना ड्रोन मिल गया अपने को, और फाइनली आई एम वेरी हैप्पी, और उसे अभी ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं आया, फिर से तीन बार गिरने के बाद भी ज़्यादा खर्चा नहीं आया है, और अभी उसे प्रॉपर बनवा के सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के एकदम कन्फर्म होकर ही उड़ाऊंगा। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में, तब तक के लिए चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।